गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब हम बात करेंगे थोड़े से इस बात से पुराने पेपर्स की, राइट? सो वी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। सो आप देखेंगे कि पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने ज़्यादा चेंज हुए हैं। 2014 में जो हमारी वोकैबलरी आती थी वो वन वर्ड वोकैबलरी आती थी। काफ़ी सालों से वन वर्ड वोकैबलरी नहीं आई है, तो वी कैन अवॉइड इट, ठीक है? तो उसको मैं आपको आंसर्स डेफिनेटली बताऊंगा, बट उस तरीके की वोकैबलरी की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फोकस है, जो हमने कल तक पेपर्स में किया था कि सेंटेंस वाली वोकैबलरी आएगी, हमें गेस करना है, हमारा फोकस उस पर रहेगा मेन, ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग वर्ड्स। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे रिपीट हो सकते हैं, पैसेजेस आएंगे। जैसे इन पेपर, इस वाले पेपर में क्या हुआ था, S1, S6 या PQRS नहीं आके क्लोज टेस्ट आ गया था, राइट? या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो ये चेंज होता रहता है, इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब आना बंद हो गया है, अब आता ही है, पिछली बार नहीं आया था, ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वन थिंग वी वुड हैव टू रिमेंबर कि कुछ भी आ सकता है, राइट? सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे सारे कवर हो जाएं, इसलिए हम बाकी पेपर्स भी कर रहे हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो इस पेपर में वी आर स्टार्टिंग विद स्पॉटिंग एरर्स। सो स्पॉटिंग एरर्स एज वी ऑलरेडी सेड कि आपको ABCD चार पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स में क्या होता है, तीन पार्ट्स में आपका सेंटेंस लिखा होता है और चौथे पार्ट में नो एरर होती है। अब जैसे ही हम लोग नहीं हो रहा देखो चल तो रहा चार पार्ट्स होते हैं ABC, इनमें तीन सेंटेंसेस होते हैं एंड नो एरर, अगर कोई गलती नहीं होगी तो डी, नहीं तो 1, 2 और 3। सो अब द जनरल सेड, अब इसके आगे अगर दैट लिखा होता तो ये क्वेश्चन हो जाता इनडायरेक्ट स्पीच का, एंड सबसे पहले हम इनडायरेक्ट स्पीच चेक करते हैं। बट डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच की कभी गलती होती नहीं है, ठीक है? तो अब ये वो ऑर्डर दे रहा है, तो सोल्जर्स डू नॉट फायर, तब तक फायर मत करो जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, अनटिल आई गिव ऑर्डर्स, राइट? सो यहां पर आई विल गलत हो जाएगा, यहां पे विल की जगह क्या लगेगा, आई टिल आई गिव द ऑर्डर्स। सो ये टेंस की गलती है, यहां पे विल इज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी आप ऑर्डर देते हैं, अभी आप इस बात को समझिए, जब हम ऑर्डर देते हैं तो क्या होता है, हमारा फर्स्ट केवल वर्ब आता है, ठीक है? अब जैसे हम लोगों ने याद किया होगा कि प्ले का हिंदी होता है खेलना, लेकिन अगर मैं प्ले ही बोलूं केवल और मुझे हिंदी नहीं आती तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा, सामने वाले को समझ में आएगा खेलो। तो जब भी हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, इट इज एन ऑर्डर, ऑर्डर इज फॉर नाउ, राइट? सो डू नॉट फायर टिल आई गिव ऑर्डर्स, जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूं तब तक आप लोग गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है? तो दिस कुड हैव बीन फ्यूचर, बट ऑर्डर है तो ऑर्डर है, तो इट हैज टू स्टार्ट विद अ है वर्ब, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा कॉमा दिया हुआ है एग्जामिनर ने, राइट? तो कॉमा का मतलब है कि हम अगला सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। तो सोल्जर्स डू नॉट फायर, सो ऑर्डर है, इसलिए पार्ट सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, हमने अलग से भी एक सीरीज में करा था। वाई? बिकॉज ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब भी आप स्पॉटिंग एरर्स करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल ही ढूंढना है। अगर चैप्टर का नाम बोलूं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलतियां ही देखनी है। दो हिंट्स होती हैं उसमें, एक तो जब हमारा वर्ब प्लूरल हो या वर्ब सिंगुलर हो, इज आर वाज वर हैव हैज लिखा हो, और अगर मेरे पास दो सब्जेक्ट्स हो। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स होते हैं तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन हो जाता है। वो हमें देखना होता है कि फोकस किस पे, फर्स्ट सब्जेक्ट पे या सेकेंड सब्जेक्ट पे। तो नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, हमारा फोकस है फर्स्ट सब्जेक्ट पे, ऑफ लग गया है, ऑफ आता है तो हमारा फोकस हमेशा किस पे होता है, इस पे। तो नाइदर सिंगुलर होता है, दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर इज अ सिंगुलर वर्ड। तो क्योंकि नाइदर सिंगुलर है, आर की जगह क्या लगना चाहिए था, इज लगना चाहिए था, राइट? तो इसलिए ये गलत है। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स होंगे आप फोकस देखेंगे किस पे फोकस है, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट, दोनों में से कोई नहीं आया। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, दोनों में से कोई नहीं आए नहीं बोलते, दोनों में से कोई नहीं आया। तो नाइदर के साथ हमारे को इज लगाना है, हम आर नहीं लगा सकते,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप, राइट। सो अब इसमें क्या डिफरेंस है जब हम इसकी बात करते हैं एनी इक्विपमेंट और एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप। इसमें दो तरीके की चीजें मुझे चेक करनी पड़ेंगी। एक तो ये एक बहुत ही फिक्स काइंड ऑफ एरर होती है जो हमें देखनी पड़ेगी कि ये सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी आसान गलती आ गई है क्योंकि इन्होंने इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है। इक्विपमेंट्स नाउन है। जब भी आप नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो नाउन चैप्टर्स में देर आर फाइव काइंड ऑफ नाउन जो हमें याद करने पड़ते हैं। पहला नाउन होता है जो हमेशा प्लूरल होता है, जिसको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नाउन होता है जो लगता सिंगुलर प्लूरल है मगर होता सिंगुलर है, जिसके एंड में एस आ रहा होता है मगर वो सिंगुलर नाउन होता है। तीसरा होता है जो हमेशा मतलब बिना एस के लिखा जाता है लेकिन प्लूरल होता है। चौथा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो इक्विपमेंट जब आप उस लिस्ट में पढ़ेंगे तो इक्विपमेंट जो है वो कोई शब्द नहीं होता, इट हैज टू बी इक्विपमेंट, क्योंकि इक्विपमेंट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हिंदी में हो सकता है काउंटेबल हो बट इंग्लिश में इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इक्विपमेंट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो इक्विपमेंट्स कोई शब्द नहीं होगा, आप इसको गलत कर देंगे। इसमें एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, एनी अदर। जब मैं एनी अदर की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन कई बार आता है, तो जब आप कंपेयर करते हो, ठीक है, जब आपने बोला मोर एफिशिएंट, बेटर, स्मार्टर, तो आप दो लोगों में कंपेयर करोगे। अगर आप दो से ज्यादा में कंपेयर करना चाहते हो तो आपको यह ध्यान रखना है, ही इज बेटर देन डैश स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, और दूसरा हो जाएगा ही इज बेटर देन डैश स्टूडेंट ऑफ हिज ब्रदर्स क्लास। तो वो अपनी क्लास में सब सारे स्टूडेंट से अच्छा है और अपने भाई की क्लास में सारे स्टूडेंट से अच्छा है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। नाउ व्हाट हैपेंस इज अगर आप एक आदमी को बहुत सारों से कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज कि एनी लगाना कंपलसरी है। सो एनी तो आ गया। अब होता क्या है, अगर मैं एनी लिखता हूं तो ये आदमी अपने अगर ये आदमी उस ग्रुप का पार्ट है तो एनी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं मैं अपनी क्लास के किसी भी स्टूडेंट से बेहतर हूं, बेहतर वर्ड या बेटर वर्ड इज फॉर कंपैरिजन, तो मैंने अपनी क्लास के हर एक स्टूडेंट से अपने को कंपेयर किया, दैट मींस मैंने अपने आप को अपने से भी कंपेयर कर लिया, ठीक है। क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगर आप उस ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं जिस ग्रुप का आप पार्ट है, तो आपको अपने को हटा के मैं इस क्लास में बाकी सबसे बेहतर हूं, हर एक से बेहतर नहीं हूं, बाकी सबसे बेहतर हूं, बाकी, दैट बाकी वर्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो एनी अदर स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस क्लास में अपने अलावा बाकी सबसे अच्छा हूँ। वैसे जब नीचे वाले स्टूडेंट में आता हूँ तो मैं अपने भाई की क्लास की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो उसकी क्लास के हर एक स्टूडेंट से अच्छा हूँ। समझ में आया? इसमें मैं हिंदी में भी क्या बोल रहा हूँ, बाकी सबसे अच्छा हूँ, इसलिए मैंने लगाया अदर। इसमें मैं बोल रहा हूँ हर एक स्टूडेंट से अच्छा हूँ उस क्लास के, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, एनी स्टूडेंट। तो अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा है तो आप लगाते हैं एनी अदर, क्योंकि आपको अपने आप को हटाना पड़ेगा, और अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आप लगाते हैं एनी। ये एक डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है, राइट गाइस। सो दो चीजें थी, इक्विपमेंट्स इजी था, मगर ये एनी अदर वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं तो एनी अदर, और ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The tin deposits in that area would probably be exhausted in the near future. अब देखिए मुझे बोलते हुए ही मेरे साथ गड़बड़ हुए जा रही है, because ये बिल्कुल साफ साफ गलत लिखा हुआ है। In the near future होगा, ठीक है, into the near future, जो कुछ भी आप बोलें the near future, क्योंकि हम specific हो ही रहे हैं तो यहाँ पे article भी आ रहा है और to की जरूरत नहीं है। So the answer has to be the tin deposits would be exhausted
इन द नियर फ्यूचर, राइट? सो यहां पे द आंसर इज सी. सो दिस वॉज स्पॉटिंग एरर्स. इस पेपर में आपको बहुत सारे नए नए तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सो वील टॉक अबाउट देम. द लास्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर. द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करते हैं तो देयर इज सी, यहाँ पे मुझे क्या याद रखना है कि जब मैं नॉर्मल एडजेक्टिव बोलता हूँ तो कंपेयर करने के लिए मैं लिखता हूँ देन. ठीक है, अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, अगर कोई भी एडजेक्टिव जो आईओआर से खत्म हो रहा है या प्रेफर, तो मैं देन की जगह क्या लिखता हूँ, टू. ये एक बेसिक सा डिफरेंस है. जब आप एडजेक्टिव की बात करेंगे तो देन लगेगा, ठीक है, डिफरेंट देन द अदर्स. सो यहाँ पे यही पॉइंट गलत है. सो द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू द ऑपरेशन ऑफ द अदर, तो डिफरेंट. सो ये पोर्शन हमारा हो जाता है गलत. ठीक है, सो दीज वर द स्पॉटिंग एरर्स. अब इसको हम बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. ये थोड़े टाइम से नहीं आया है, मगर ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होता है. फिल इन द ब्लैंक्स आपके गलत नहीं होने चाहिए. आपको ऑप्शन देख के ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक का पेपर है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप सॉल्व करते हैं. तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक से कैसे डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें एक आंसर यहाँ लिखा गया होता है. अगर ये आंसर ठीक है तो आपका आंसर होता है नो इम्प्रूवमेंट. अगर ये आंसर गलत है तो आप एबीसी में से देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, इस ऑप्शन को यहाँ रख देगा, नो इम्प्रूवमेंट की जगह इज लिविंग लिखा हुआ होगा. तो एक ही बात है टेक्निकली, आप उसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बोलिए या फिल इन द ब्लैंक्स बोलिए. अब फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या लिखा होता है, इंडिकेट थ्री पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स आर गिवन फॉर द अंडरलाइन पार्ट इफ वन ऑफ देम दैट इज ए बी सी इज बेटर. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स में. स्पॉटिंग एरर्स में हमको गलती ढूंढनी होती है. ठीक है, हमारा सेंटेंस 100% गलत होता है. वेरस जब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो हो सकता है जो हमने बोला है वो भी सही हो, जो दूसरे वाले ने बोला है वो भी सही हो. ठीक है, हमारे को गलती ढूंढनी है, गलती नहीं ढूंढनी है, हमें बेटर आंसर लिखना है. तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्पॉटिंग एरर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो अब जब हम बात करते हैं इसकी, ही इज लिविंग, वॉज लिविंग, हैज बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग, ये है टेंसेस का क्वेश्चन. तो अब हमारे को उसने टेंसेस के बारे में पता किया है. ही इज लिविंग दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 years. अब टेंसेस जब आपने पढ़े हैं तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है टेंसेस का, बट यूजुअली आपको 12 टेंसेस होते हैं और 12 तरीके का टाइम होता है. आपको टाइम याद रखना है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि कौन सा टेंस कौन से टाइम में यूज होता है. जैसे अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करता हूँ तो सिंपल प्रेजेंट यूज होता है जो काम रेगुलर एक्शन पे होता है, जो काम रेगुलरली होता है. ठीक है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, सिंपल पास्ट यूज होता है जो काम एक बार होके रुक जाता है या बंद हो जाता है, दैट इज सिंपल पास्ट एंड दैट इज हाउ वी वर्क. सो ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द, सो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि कंटिन्यूअस में टाइम नहीं लगता फॉरवर्ड सेंस वाला, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम लगता है फॉरवर्ड सेंस वाला. तो जब आपको कंटिन्यूअस टेंस में टाइम लगाना होता है तो आप उसकी जगह परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हो. तो अब इसमें आगे टाइम लगा हुआ है, फॉरवर्ड सेंस आ गया, तो कंटिन्यूअस तो हमारे आंसर्स हो नहीं सकते. तो ये तो गलत है और ये भी गलत है क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है. अब परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. अगर आप देखिए वो अभी भी रह रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, सी. वो पहले रह रहा था अब नहीं रह रहा, तो आपका आंसर होगा डी. तो वो फॉर द पास्ट, ये मुझे हिंट देता है कि पिछले 10 साल. तो पास्ट लिखने का मतलब है क्या है कि वो अभी भी रह रहा है, पिछले 10 सालों से रह रहा है. तो इसलिए ये वाला गलत हो गया. सो माय आंसर इज हैज बीन लिविंग. तो टाइम देख के मैंने 2 ऑप्शंस गलत किए, फिर उसके बाद मैंने प्रेजेंट ऑफ पास्ट देखा एंड उससे मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन जो है ये अभी परसों हमने बात करी थी. दिस इज अ थिंग कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स. सो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स आपको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के नाम से भी मिल जाएगा, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के नाम से भी मिल जाएगा ये. इसको आपने ध्यान रखना है.
सो जब मैं नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स की बात करता हूँ तो वो वर्ब्स होते हैं जो कंटिन्यूस नहीं हो सकते, जिनके आगे आईएनजी नहीं लगता। अब इसका एक तरीका है क्या है कि मैं इसको रट के जाऊँ, अराउंड 40-50 वर्ड्स रट लूँ। दूसरा तरीका है कि मैं इसका लॉजिक समझ लूँ। तो लॉजिक क्या होता है? लॉजिक इंग्लिश में होता है, ट्रांसलेशन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी सेंटेंस को मैं बिना आईएनजी लगाए सिंपल प्रेजेंट को अगर मैं अभी की बात कर पाऊँ तो मैं उसमें आईएनजी नहीं लगाता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं आई एम प्लेइंग बोलता हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं कब क्रिकेट खेल रहा हूं? अभी। और मैं बोलता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, दिस मीन्स एवरी डे। अब अगर कोई भी ऐसा तरीका होता कि मैं आई प्ले क्रिकेट को अभी के लिए इस्तेमाल कर पाता तो प्लेइंग गलत हो जाता, बट ऐसा कोई तरीका है नहीं, इसलिए प्लेइंग ठीक है। बट इसी की जगह अगर मैं बात करता हूं, आई एम हैविंग, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आता है, अ हेडेक, आई हैव अ headache। अब ideally I am having a headache का क्या मतलब होता है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो आपके सर में कब दर्द हो रहा है? आपके सर में अभी दर्द हो रहा है। तो I am having a headache कब की बात कर रहा है? अभी की बात कर रहा है। आपके सर में अभी दर्द हो रहा है। And I have a headache का क्या मतलब है? मेरे सर में दर्द है। तो मेरे सर में दर्द होता है तो हो गई, बट क्या मैं इसको अभी के लिए यूज कर सकता हूँ? तो मेरे सर में दर्द है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आपके सर में अभी दर्द है। सो अगर मैं इसको आई हैव अ हेडेक बोलता हूँ तो इसका मतलब भी ना हो सकता है, अभी की बात हो सकता है। तो जब मैं बिना आईएनजी के अभी की बात कर सकता हूँ तो आईएनजी हमेशा गलत होता है, दिस इज कॉल्ड नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, तो जब बिना आईएनजी के आप अभी की बात कर सकते हैं तो आईएनजी आप गलत करेंगे, चाहे हिंदी में कितना भी ठीक हो। अब आ जाते हैं हम सेम इस क्वेश्चन में, आई ही इज नोइंग द सीक्रेट, वो अभी उस सीक्रेट जान रहा है, ही नोज द सीक्रेट, वो सीक्रेट अभी जानता है। तो मैं नोज को अभी के लिए यूज कर पा रहा हूँ, उसको अभी के लिए यूज कर पा रहा हूँ, तो नोइंग गलत, सेम वॉज नोइंग गलत, ठीक है, और हैज बीन नोइंग, आईएनजी हो ही नहीं सकता क्योंकि आप बिना आईएनजी के नोइंग बोल सकते हो या मीनिंग बना सकते हो। तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो गया? ही नोज द सीक्रेट, राइट? सो ही नोज द सीक्रेट। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। पुट ऑफ मतलब ये हमें देखना पड़ेगा, तो पुट आउट इज बुझा देना, पुट ऑन इज कपड़े पहनना, पुट ऑफ इज पोस्टपोन होना, ठीक है। और मीटिंग तो पोस्टपोन ही होगी, तो पुट ऑफ बिल्कुल ठीक वर्ड है, हमारा आंसर है नो इम्प्रूवमेंट, दिस इज फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था, काइंड ऑफ वोकैबुलरी आप इसको कह सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के साथ होता क्या है कि हमको लगता है हमें आते हैं, क्योंकि पुट का मतलब भी पता है, ऑफ का मतलब भी पता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब इज समथिंग जो अपना मीनिंग चेंज करता है, जो उन्होंने लिखा हुआ है और जो आपको समझना है वो थोड़ा सा फर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, इफ यू विल कम विद मी आई शैल बी हैप्पी, यू गाइस विल हैव टू लर्न दिस, दिस इज कॉल्ड इफ कंडीशनल। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इफ लगाते हैं, ठीक है, तो इफ के साथ कंडीशंस होती हैं कुछ, तो इफ के साथ अगर विल है, ठीक है, तो इफ के साथ विल होता ही नहीं है। इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो विल या शैल आता है, इफ के साथ अगर हैड है तो विल हैव वुड हैव आता है, इफ के साथ अगर पास्ट है तो वुड आता है। तीन कंडीशंस हैं बस, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आगे लगेगा वुड हैव लगेगा, कुड हैव लगेगा या शुड हैव लगेगा। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो आगे लगेगा वुड, कुड और शुड। और अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है तो आगे लगेगा विल, कैन, शैल एटसेट्रा। ठीक है, तो अब यहां उसने शैल लगा रखा है, इफ कंडीशनल है तो इधर क्या आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। उसने लिख दिया विल कम, तो विल कम की जगह क्या आना चाहिए था? कम। तो अब मैं देखता हूं इसमें से सिंपल प्रेजेंट कौन सा है, हैड कम नहीं है,
हैड कम होता तो क्या, इधर अगर वुड हैव होता तो आंसर क्या होता, हैड कम, इधर अगर वुड होता तो आंसर क्या होता, केम, बट इधर विल है तो आंसर क्या होगा, कम. सो इट केवल तीन कंडीशंस होती हैं, ये हमें याद रखनी पड़ेंगी. दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ के साथ विल होगा तो आगे आएगा वुड, ठीक है. इफ के साथ विल नहीं होगा, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट होगा तो आगे आएगा शैल, इफ के साथ पास्ट होगा तो आगे आएगा वुड, इफ के साथ हैड होगा तो आगे आएगा वुड हैव, राइट. तो दिस इज समथिंग वी गाइस विल हैव टू लर्न. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैसेज, ठीक है. अब ये हमारा पैसेज है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं. अब जब भी आप पैसेज करेंगे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, जो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, अगर आपको उसी पेज में मिले हुए हैं तो ठीक है, अगर पेज पलटना पड़ रहा है, क्योंकि डिपेंड करता है आपको कौन सा सेट मिला है, तो आप क्वेश्चंस को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है. और क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना शुरू करिए. उससे क्या होगा कि जहां पे आपको क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा वहां पे आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. तो ये हमारा पैसेज है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दिस पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स, डॉग्स के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है. तो ये जो एक क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा. डॉग्स को ट्रेन किया जा सकता है दूसरे कामों के लिए, डॉग्स केपेबल होते हैं मुश्किल काम करने के लिए, अलग अलग तरीके के होते हैं, एंड कुत्ते जो है वो अकेले लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं. तो ये चार मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है. ट्रेन किया जा सकता है, अलग अलग मुश्किल काम कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं, या लोगों की मदद करते हैं. आप पढ़ते हैं चारों में से कौन सा है. द डॉग इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट कैन बी ट्रेन्ड फॉर मैनी. ये सीधा सीधा आ गया, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता. पहली लाइन में हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. डॉग जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी होता है और उसको ट्रेन किया जा सकता है फॉर मैनी ड्यूटीज. सो हमारे को आंसर मिल गया, तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे. आंसर हो गया हमारा ए, कि उसको ट्रेन किया जा सकता है ड्यूटीज वर्क. बस थोड़ा सा उसने एक वर्ड चेंज किया, नहीं तो हमें समझ में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. ये फिर पैसेज क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. मेडल्स आर अवॉर्डेड टू सम डॉग्स फॉर, डॉग्स को मेडल्स क्यों मिलते हैं, ठीक है. तो अब मैं वापस पैराग्राफ पे जाता हूँ. मेरे को ध्यान में क्या रखना है, मेडल्स की बात, ठीक है. आप लोग क्या करेंगे, आप पांचों या चारों क्वेश्चंस लिख लेंगे, जिससे जो क्वेश्चन आएगा आप एकदम आपको दिखता रहे. आगे चलते हैं. Some dogs work with the police and the army as sentries and trackers. ठीक है, तो as soldiers रहते हैं वो और trackers, and there are medals. Medals मिलते हैं. अब क्यों मिलते हैं, तो इसके बाद मुझे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. That are awarded to dogs for bravery in action. बहादुरी के लिए medals मिलते हैं. जब कोई dog बहादुरी दिखाता है तो उसको medal मिलता है. तो देखते हैं कि हमें answer मिला कि नहीं मिला. Their brave deeds. Thinking with the police, working with the police, serving as sentries, being able to perform difficult works. तो बहुत आसान है, उनके मुश्किल काम के लिए उन्हें मेडल दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो द पैसेज इम्प्लाइज दैट, ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा. जब भी इम्प्लाइज करने की बात आती है तो यूजुअली क्या होता है कि पूरे के पूरे पैसेज का आंसर पढ़ना पड़ता है. तो इसलिए मेरे को आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे. ओनली डॉग्स आर फेथफुल बट नॉट मैन. डॉग तो फेथफुल होते हैं मगर आदमी फेथफुल नहीं होता. अभी तक आदमी के बारे में बात हुई नहीं है इस पैसेज में, जहां तक हमने पढ़ा है. मैन वुड हैव फेल्ट हेल्पलेस विदाउट डॉग्स, बिना डॉग्स के हम काम ना कर पाते. द डॉग हैज सर्टन क्वालिटीज दैट मेक इट मैन्स ट्रस्ट वर्दी कंपेनियन, ठीक है. डॉग्स की कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिससे कि वो मैन का एक ट्रस्टेड कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त बन सकता है. एंड डॉग्स कैन बी कैन डू ऑलमोस्ट एनी थिंग, डॉग्स कुछ भी कर सकते हैं. तो इन चार में से हमें देखना पड़ेगा. तो लेट्स सी, हमने यहां तक पढ़ लिया था मैसेज. अदर डॉग्स एक्ट एज सीइंग आईज फॉर द ब्लाइंड, डॉग्स अंधे लोगों को चलने में मदद करते हैं. एंड सम ब्रीड्स आर स्पेशली ट्रेन फॉर रेस्क्यू वर्क अमंग माउंटेन्स एंड स्नो, एंड कुछ ब्रीड्स को माउंटेन्स और बर्फ बर्फ में रेस्क्यू के लिए ट्रेन किया जाता है. Jobs like herding sheep and cattle and guarding homes are also done by them. तो shepherds आपने सुना होगा, भेड़ चराना, गाय चराना, ठीक है, और घर को protect करना, घर की चौकीदारी करना भी उनके द्वारा किया जाता है. Whenever man lives and works in the Arctic Circle, in the desert,
इन द जंगल इन द मूर्स और माउंटेन्स द डॉग इज हिज फेथफुल कंपेनियन एंड हेल्प. डॉग उसका एक अच्छा दोस्त बन के रहता है और उसकी मदद करता है. तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि आदमी डॉग के लिए क्या करता है इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है. सो अ कॉमन मॉन्ग्रेल में पोजेस दीज क्वालिटीज जस्ट एज मच एज अ ब्लड हाउंड. एरिस्टोक्रेटिक एक वर्ड है जो आपको सिनोनियम्स में बहुत आता है, ठीक है. तो एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है जो राजाओं की जो ब्लड लाइन होती है ना, जैसे मैं बोलता हूँ एरिस्टोक्रेट है, तो इसके जो पूर्वज थे वो राजा लोग रहे होंगे, ठीक है. तो वो एरिस्टोक्रेट्स बोला जाता है. एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड, ब्लड इज खून और हाउंड इज शिकारी, ठीक है. तो वो कह रहा है कि किसी भी कुत्ते में ये क्वालिटीज हो सकती हैं जो हमने ऊपर बात की है, चाहे वो एक नॉर्मल गली का कुत्ता हो या एक बहुत ही अच्छी ब्रीड वाला डॉग हो. तो चलते हैं आगे, देखते हैं अब. सो हमारे को इसका आंसर मिल गया, कुत्ते की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उसको आदमी का बहुत ट्रस्टेड कंपेनियन बना देता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो अब हमने पैसेज पूरा पढ़ ही लिया है, ये सी वही सेम आ गया. द फ्रेज एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड इन द पैसेज मीन्स, सो तो ब्लड हाउंड तो बेसिकली क्या हो गया, वो जो शिकारी कुत्तों की बात कर रहा है, मतलब थोड़े हाई अच्छे लोगों की. द डॉग केप्ट बाय वेल्दी पीपल, बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक अमीर लोगों की बात हो गई. और ब्लड हाउंड इज फॉर द डॉग, हो सकता है अ पेडिग्री डॉग, अ डॉग फाउंड इन फाउंड ऑफ ब्लड मेनी एनी बिग डॉग. नो, सो आंसर इज, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक हैज कैन नॉट बी फॉर डॉग्स. एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है वो ब्लड लाइन जो किंग्स और उस तरफ से आ रही है, तो जो अमीर लोग रखते हैं कुत्ते उनकी बात हो रही है. सो एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड इज डॉग्स केप्ट बाय वेल्दी पीपल. सो दिस वॉज आर पैसेज गाइज, ठीक है. अब ये एक ऐसी चीज है जो मैं चाहूंगा आप सब लोग ढंग से प्रैक्टिस करें. दिस इज कॉल्ड अ क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट में होता क्या है, क्लोज टेस्ट इज ऑल्सो लाइक अ फिल इन द ब्लैंक, बट एक पैसेज के फॉर्म में आता है. तो कभी कभी हमारा आंसर जो होता है वो आगे पीछे हो जाता है. तो जब मैं क्लोज टेस्ट की बात करूंगा तो इट इज मोर लाइक अ पैसेज, एंड हो सकता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए. सो इसको ट्राई करते हैं. सो इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. अभी यहां तक उसने मुझे पैसेज नहीं दिया है, बट मुझे पढ़ना पड़ेगा जिससे कि मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि पैसेज है किस बारे में. सो एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसे. ड्रॉबनी डिफाइड द क्रिटिक्स, ही हैड प्लेड थ्रू द विंबलडन फोर्टनाइट एंड रीच द फाइनल. तो ड्रॉबनी कोई टेनिस का प्लेयर होगा जिसको क्रिटिक्स होते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं. तो ड्रॉबनी ने उनको झूठा साबित कर दिया था. तो क्रिटिक्स ने बोला होगा कि भाई ड्रॉबनी तो जीतेगा नहीं या जीतेगी नहीं, लेकिन वो 15 दिन, फोर्टनाइट इज 15 डेज, ठीक है. वो 15 दिन तक विंबलडन खेला या खेली, और क्योंकि पता नहीं चल रहा है लड़का है लड़की है, एंड वो फाइनल पहुंच गया. ही आगे हमें पता चल गया, तो ठीक है हम ही बोलेंगे इसके बाद. कुड ही विन जस्ट वन मोर मैच एंड टेक द क्राउन, क्या वो एक मैच और जीत के चैंपियन बन सकता है, ठीक है. और वुड ही फेल अगेन एट द लास्ट टेस्ट एंड जस्टिफाई दोज, तो या वो हार जाएगा आखिरी फाइनल्स में. एंड जस्टिफाई दोज हु सेड दैट ही लैक्ड द लिटिल एक्स्ट्रा समथिंग दैट मेक्स द चैंपियन, या वो हार जाएगा लास्ट टेस्ट पे और वो उन लोगों को सच साबित कर देगा जो कहते हैं कि इसमें वो थोड़ी सी वो वाली बात नहीं है कि ये चैंपियन बन पाए, ठीक है. His opponent was the Australian Ken Roswell. इसका उसका opponent कौन था? Roswell था, ठीक है. अब यहां तक का पैसेज हमें समझ में आ गया. ड्रॉबनी एक टेनिस प्लेयर है जो विंबलडन के फाइनल्स में पहुंचा है. लोग कह रहे हैं कि वो नहीं जीत सकता. कुछ लोगों का यह मानना है कि उसके अंदर वो चैंपियन बनने वाली बात नहीं है, राइट. और उसका चैंपियन है रूजवेल, उसका ओपोनेंट है रूजवेल. अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है. तो हमारा लास्ट लाइन था, यहां से हमारा क्वेश्चन चल रहा है. सो ओपोनेंट वॉज द ऑस्ट्रेलियन रूजवेल डैश, यहाँ पे आप डैश मान लीजिए जो डैश अब हमें आगे मिलेगा. डैश ब्रिलियंट यंगस्टर एंड ऑलरेडी आ मास्टर, तो जो है ये बहुत अच्छा प्लेयर है. तो अब अच्छा प्लेयर है, ब्रिलियंट यंगस्टर एंड ऑलरेडी आ मास्टर, तो दैट तो लगेगा नहीं. दैट होता है पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है. अब अ या द, और द इज अ क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल्स. अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कौन से की बात हो रही है, स्पेसिफिक है तो आप लगाएंगे द, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो आप लगाएंगे अ. सो बेसिकली
द बॉय हु कॉल्ड मी, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, एंड अ बॉय कॉल्ड मी. सो द बॉय हु कॉल्ड मी एंड अ बॉय कॉल्ड मी. सो मैंने ऊपर वाले में दा क्यों लगाया, क्योंकि मैं बता पा रहा हूं एक्स्ट्रा की कौन से लड़के की बात कर रही हूँ, वो लड़का जिसने मुझे बुलाया, और इसमें बोल रहा हूँ एक लड़के ने मुझे बुलाया. अब इसी तरह से एक लड़का चैंपियन है और वो लड़का जो चैंपियन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लड़का वगैरह कुछ बोल नहीं रहा हूँ. ब्रिलियंट यंगस्टर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मास्टर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो उसने खुद ही अ लगा के बता दिया कि मास्टर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, अ. अ ब्रिलियंट यंगस्टर्स एंड ऑलरेडी अ मास्टर. सो दैट क्यों नहीं लगा, क्योंकि दैट तो प्रोनाउन के लिए पॉइंट आउट करने के लिए होता है, दैट ब्रिलियंट यंगस्टर, मैं उंगली दिखा रहा हूँ, जबकि नहीं, मैं रूजवेल की क्वालिटी बता रहा हूँ, वो वहां नहीं है. द लगता अगर मैं उसको स्पेसिफिक बना रहा होता, मैं स्पेसिफिक नहीं बना रहा हूं, इसलिए द भी गलत है. आगे चलते हैं. सो अ ब्रिलियंट यंगस्टर एंड ऑलरेडी अ मास्टर, यहां तक हमने कर लिया. डैश वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, अब उसके पास क्या है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है. तो विद नॉर्मली यूज होता है जब आप किसी चीज को जोड़ते हो, ऐड करते हो. फॉर यूज होता है जब आप किसी चीज के फायदे की बात करते हो, और ऑफ यूज होता है जब आप किसी चीज के हिस्सा होते हो, ठीक है. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है विद, फॉर और ऑफ में. विद लगेगा जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं, फॉर लगेगा जब आप किसी चीज के फायदे की बात करते हैं, और ऑफ लगेगा जब आप किसी चीज का हिस्सा होते हैं. बेसिकली जैसे मैं बोलूं, इन दोनों की बात करूं, सो टॉक विद यू एंड टॉक फॉर यू, और इसमें एक तीसरा होता है जो हमें याद रखना पड़ेगा, टॉक टू यू. जितने आप लोग SMS लैंग्वेज लिखते हैं उन सबको याद पता होगा, TTYL बोलते हैं हम लोग, टॉक टू यू लेटर, है ना, तो TTYL. तो बेसिकली टॉक के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू. तो टू लगता है जब देर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सचेंज, मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मुझसे कुछ बोला, दैट इज टॉक, टॉक टू यू. टॉक विद यू में क्या हुआ, आप और ये आदमी दोनों लोग किसी तीसरे आदमी से बात कर रहे हैं, आप एड ऑन हो गए, तो मैं और आप किसी तीसरे आदमी से बात कर रहे हैं, दैट इज टॉक विद यू. तो जब हम दो लोग, आई विल टॉक या आई टॉक, तो मैं और तुम साथ में मिलकर किसी तीसरे आदमी से बात कर रहे हैं. आपको पापा ने बुलाया, आपने अपने भाई से किससे बोला गया, तेरे साथ ही बात करूंगा, अकेले तो बात कर नहीं रहा, तो आप क्या बोलेंगे, टॉक विद यू. एंड टॉक फॉर यू इज आपके फायदे के लिए. तो बेसिकली से यू अगेन, यू आर स्केर्ड ऑफ योर डैड, आप अपने पापा से बहुत डरते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप अपने पापा से डरते हैं, आपको कल घूमने जाना है, आपने आज मम्मी को बोलना शुरू किया, मम्मी पापा से बात करो, पापा से बात करो. सो आपकी मॉम क्या करेंगी, योर मॉम विल टॉक फॉर यू. आपकी मम्मी आपके फायदे के लिए बात करेंगी, इसलिए फॉर लगा. तो विद हो जाता है एड, फॉर हो जाता है फायदा, एंड ऑफ हो जाता है हिस्सा. तो अब उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास है ना एक्सपीरियंस, उसके पास है एक्सपीरियंस, मतलब हम ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, विद वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस विद हिम. सो हमारा आंसर हो गया विद, ठीक है. तो यहाँ पे टू, फॉर और ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे विद होगा. नाउ गाइस, प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज NDA इज कंसर्न. रिसेंट ईयर्स में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं प्रेपोजिशंस में. इनफैक्ट एक बार तो 10 के 10 क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस के ही आ गए थे, राइट. तो हमारे को ध्यान रखना है, प्रेपोजिशंस को समझना है, और प्रेपोजिशंस को वर्ड समझ के, हिंदी समझ के सॉल्व नहीं होता. प्रेपोजिशंस के मुझे डिफरेंसेस याद करने हैं कि अगर ये दो प्रेपोजिशन आए तो क्या फर्क होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, जार्लॉस ड्रॉबनी, ड्रॉबनी वापस हम पहले वाले प्लेयर पे आ गए, डैश सन ऑफ चेक्स कारपेंटर. तो ये जो ड्रॉबनी है ये किस, क्या है, ये एक चेक, चेकोस्लोवाकिया के कारपेंटर का क्या है, बेटा है, ठीक है. तो द सन या अ सन, अब कारपेंटर तो बहुत होंगे, कारपेंटर तो एक होगा नहीं, है ना, तो वापस वही आ गया, दैट सन तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो दैट सन नहीं होगा, राइट. अब अ सन ऑफ अ चेक्स कारपेंटर, ये तो हो गया, ठीक है. अब सन स्पेसिफिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है.
द सन ऑफ अ चेक्स कार्पेंटर. क्यों? क्योंकि मैंने ड्रॉबनी के लिए पहले भी बोल दिया है, ये बच्चा है किसका? कार्पेंटर का. तो ऑफ अ चेक्स कार्पेंटर हमने लिखा, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा द सन ऑफ अ चेक कार्पेंटर. ठीक है, हु. अब आगे देखिए, हु आ गया और इजी हो गया हमारे लिए. हु लगाते ही मैंने क्या कर दिया, मैंने एडेड इन्फो दे दी. ठीक है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है एडेड कि आगे पीछे क्या लिखा है. अगर मैं यहां तक लिखता तो शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि यार आ जाएगा, क्योंकि कारपेंटर के तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, उनमें से एक बच्चा. आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अगली लाइन पढ़ेंगे उसकी, उसमें लिखा है हु, तो कौन सा बच्चा? वो बच्चा. ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था ना अ बॉय एंड अ बॉय हु, तो जैसे ही ये हु आया उसने मेरे को सन को क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, और हमने द लिख दिया. तो द सन ऑफ अ चेक्स कार्पेंटर हु डैश स्टार्टेड द बॉय. ठीक है, कार्पेंटर ने क्या किया, हु डैश स्टार्टेड द बॉय ऑफ एट द हैड वॉज और हैज. अब आगे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. सी देखिए, इसमें क्या होता हैज स्टार्टेड हो जाएगा जब हम इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, वॉज स्टार्टेड हो जाएगा पैसिव, और हैड स्टार्टेड हो जाएगा किसी चीज से पहले कर चुका था. तो वॉज तो गलत है क्योंकि वॉज स्टार्टेड हो जाता पैसिव स्पीच. पैसिव स्पीच का मतलब क्या होता है कि उसको स्टार्ट किया गया, तो जबकि उसको स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो स्टार्ट करा रहा है. अब हैव स्टार्टेड या हैज स्टार्टेड का मतलब होगा, जैसे मैं आपकी 8 बजे से 9 बजे तक क्लास लेता हूँ, अगर आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, 8:30 बजे हुआ, 9:45 बजे आपने अपने दोस्त को फोन किया कि यार क्लास शुरू हो गई है जल्दी से ज्वाइन कर, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, द क्लास हैज स्टार्टेड. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होता है, जब हम बात करते हैं किसी ऐसी चीज की जो पास्ट में हुई है मगर अभी उसकी रिक्वायरमेंट है, अभी आप उसको यूज कर सकते हैं, जबकि ये तो शुरू हो चुका है. और हैड स्टार्टेड होता है पास्ट टेंस. सो इसका आंसर हैड स्टार्टेड होगा, बट हमें एक लाइन आगे पढ़नी पड़ेगी, हु हैड स्टार्टेड द बॉय ऑफ एट द बॉय ऑफ एट द एज ऑफ 5. तो 5 साल की उम्र में उसने शुरू करा दिया था, करा दिया है नहीं ना, अब तो 20-22 साल का है, तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट हो नहीं सकती उसकी. तो हमारा आंसर क्या हो गया, हैड हो गया. ठीक है, तो हु हैड स्टार्टेड द बॉय एट द एज ऑफ 5. अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट एज ऑफ 5 उसने लिखा वही है, तो स्टेज ऑफ 5 नहीं हो सकता, करियर ऑफ 5 नहीं हो सकता, उम्र की बात हो रही है, तो 18th का आंसर क्या होगा, एट द एज ऑफ 5. आई होप समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, एक बार मैं जल्दी से शुरू कर, एक बार जल्दी से करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको. तो हमने पहले ये पढ़ा, यहां से हमने ध्यान रखना शुरू किया. तो अब कैन रोजवेल की बात हो रही है. कैन रोजवेल कौन है? एक ब्रिलियंट यंगस्टर है, ये मैंने आपको बता दिया. क्यों अ लगेगा, हु लगता तो द लगता, क्योंकि एडेड इन्फॉर्मेशन आ जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया डैश वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, उसके साथ था, तो विद इज ऑलवेज फॉर एडिंग, फॉर इज फॉर फायदा, एंड ऑफ इज फॉर हिस्सा. सो विद. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम आ गए ड्रॉबनी. अगर हम इतना देखते तो शायद अ हो सकता था, तो अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कई बार गलत हो सकता है इसमें, राइट? इसलिए हमको ये ध्यान रखना है. सो जार्लस ड्रॉबनी द सन ऑफ अ चेक्स चेक कारपेंटर हु हैड स्टार्टेड द बॉय ऑफ. अब यहाँ पे हैड क्यों आया, क्योंकि अगले अगले वाले पैसेज सेंटेंस में क्या लिखा है, एज ऑफ 5, तो 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था. आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, एज ऑफ 5. आगे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विद अ वुडन बैट इन लियू डैश अ रैकेट. सो अब ये इन लियू हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, राइट? तो 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था और उसने एक वुडन बैट दे दिया था रैकेट की जगह उसे, कि भाई अब कारपेंटर था, उसने लकड़ी का बैट बनाया, उसने कहा लो टेनिस खेलो, तो उसने एक वुडन बैट बना के उसको दे दिया था. ठीक है, तो लियू उसके बदले में, किसके बदले में, रैकेट के बदले में. तो यहाँ पे जो है दिस इज मोर ऑफ अ फिक्स प्रेपोजिशन. ठीक है, तो लियू के साथ हमेशा ऑफ आता है, देयर इज अ पार्ट व्हिच इज कॉल्ड फिक्स प्रेपोजिशन. एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है, ठीक है, और फॉर इज मैंने क्या बताया, फायदा, तो रैकेट का फायदा भी नहीं हो रहा है, तो फॉर और टू आ नहीं सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, ऑफ बचा. तो अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. टू हमने बात की थी, टू इज फॉर एक्सचेंज,
आप मेरे को कुछ दे रहे हैं, मैं आपको ये पेन दे रहा हूँ, गिव आई एम गिविंग द पेन टू यू। तो उसने उसको रॉकेट रैकेट दिया, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए टू होगा नहीं। फॉर मैंने बताया, फॉर हमेशा किस लिए यूज होगा, फॉर बेनिफिट और गेन, किसी के फायदे के लिए। ठीक है, तो आपका फायदा हो रहा है तो दैट इज फॉर, तो फायदे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो बदले की बात कर रहा है। तो ऑप्शन तीसरा क्या बचता है हमारे पास, ऑफ, तो ऑफ हमारा आंसर हो जाएगा। तो लीव ऑफ अ रैकेट, सो रैकेट के बदले में उसने उसे एक वुडन बैट दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और रैकेट, ठीक है, वेंट ऑन डैश फ्रॉम अ सेंटर कोर्ट टू एट विंबलडन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो जो है वो सेंटर कोर्ट पे गया। अब वेंट ऑन, अब ये अगेन जैसे वेंट ऑन का मतलब है एक जगह पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वेंट ऑन डैश दिल्ली, इसको इजी कर लेते हैं, ये भी तो कोई जगह है ना। अब आप ऑप्शंस देखिए, फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए गया मतलब दिल्ली के फायदे के लिए गया, नहीं हो सकता। विद, मैं बार बार बता चुका हूँ, विद का मतलब होता है प्लस, दिल्ली के साथ जाता तो प्लस होता, तो दिल्ली के साथ भी नहीं गया और दिल्ली के फायदे के लिए भी नहीं गया। तो तीसरा क्या बचा, टू, जब हम मूवमेंट करते हैं तो आंसर टू ही लगता है, तो ही वेंट ऑन टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट ऑन टू द फेमस सेंटर कोर्ट एट विंबलडन। यहाँ पे आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब हम टू लगाते हैं ना, तो एक ये पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, कि जब हम गो लिखते हैं तो टू लगेगा, अगर मैं आगे डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं, गो टू दिल्ली, कम लगाते हैं तो भी टू लगेगा, कम टू दिल्ली। लेकिन अगर मैं अराइव लगाता हूं तो टू नहीं लगेगा, इन ऑन या एट में से एक लगेगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। तो उसके लिए आपको इन ऑन एट में फर्क पता होना चाहिए। तो अराइव के साथ क्या लगता है, इन ऑन एट। और चौथा वर्ड होता है रीच, जो सबसे ज्यादा आता है और ये स्पॉटिंग एरर्स में बहुत आता है। रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता और एग्जामिनर यहाँ पे रीच टू दिल्ली, रीच इन दिल्ली लिखा होता है, क्योंकि बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो रीच के साथ वी डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन, रीच के साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही वेंट ऑन टू द फेमस सेंटर कोर्ट एंड विंबलडन डैश डे विद। अब विद, अब देखिए कंप्लीट नहीं हो रहा है सेंटेंस, तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, विद द फुल नॉलेज। ठीक है, तो ही वेंट ऑन टू द फेमस, तो मैं लिख देता हूं डे विद द फुल नॉलेज। ठीक है, तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, वही वेंट ऑन टू द फेमस कोर्ट एट विंबलडन डैश डे, उस दिन पहुंचा विद द फुल नॉलेज ऑफ समथिंग। तो उस दिन पहुंचा ऑन डे नहीं हो सकता, इन डे नहीं हो सकता, so क्या लगेगा, दैट डे, उस दिन। ये तो आई थिंक पढ़ते ही सॉल्व हो पा रहा होगा, दिस और दैट, दिस इज ये दिन, दैट इज वो दिन। तो जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली दैट डे बोलते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया, दैट डे विद फुल नॉलेज ऑफ समथिंग। आगे चलते हैं, विद फुल नॉलेज दैट दिस डैश बी द गेम ऑफ हिज, अगेन दिस कैन बी, मस्ट बी, वुड बी, ये होता है मोडल्स। एक मिनट में इसकी बात करते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं, गेम ऑफ हिज, गेम ऑफ हिज, अच्छा ये भी हमें करना पड़ेगा, गेम ऑफ हिज एज या गेम ऑफ हिज लाइफ या गेम ऑफ हिज डे। अब आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ईजी है, बट फिर भी पहले पीछे आ जाते हैं। तो अब जब मैं कैन, मस्ट और वुड की बात करता हूं, तो ये तीनों फ्यूचर में लग सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो वुड होता है वो कैन विल का पास्ट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, अगर आपको विल और वुड में से एक लगाने को आ गया, तो विल बात होगा श्योरिटी का और वुड बात होगा इमेजिनेशन का। अगर मैं कहता हूं कि जब मैं प्रेजिडेंट बनूंगा, वेन आई वुड बी द प्रेजिडेंट, फिर उसकी जगह अगर मैं बोलता हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल अभी कल ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है मिस्टर योगी की, सो इसको उस तरह से देखते हैं कि जितने भी सीएम कंटेस्टेंट्स थे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, चुनाव से पहले सब लोग बोलते हैं कि जब हम सीएम बनेंगे, व्हेन आई वुड बिकम द सीएम, जब
कोई एक जना जीत गया और फाइनल हो गया कि कौन सीएम बनेगा, तो वो वुड की जगह क्या बोलेगा, व्हेन आई विल बिकम द सीएम। सो विल कब बोला, जब आप जीत चुके हैं और डिसाइड हो गया है कि आप सीएम बनेंगे। वुड हम कब बोलते हैं, चुनाव से पहले। तो वुड इज मोर ऑफ एन इमेजिनेशन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मस्ट यूज होता है फॉर एडवाइस, थोड़ी सी फोर्सफुल एडवाइस। अब अगर मैं इसको हिंदी बोलूं तो शुड का मतलब होता है होना चाहिए, व्हेयरएज मस्ट का मतलब होता है जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज मोर ऑफ एन एडवाइस, ऐसा होना चाहिए। और कैन यूज होता है फॉर एबिलिटी। यहाँ पे हिंदी की वजह से आप गलत मत करना, ठीक है। तो कैन इज फॉर एबिलिटी, आपकी क्षमता के लिए बात करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक शब्द और होता है मे। मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मे इज पॉसिबिलिटी, कैन इज एबिलिटी। प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी की जब मैं बात करूं तो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी दोनों के लिए एक ही शब्द यूज हो सकता है, दैट इज सकता, ठीक है। ये हमारे को प्रॉब्लम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलता हूं इट कैन रेन, इसका हिंदी क्या हुआ, बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश हो सकती है, क्या मैं बारिश की एबिलिटी की बात कर रहा हूं या मैं बादल देख के बोल रहा हूँ यार बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। तो हिंदी में तो हो सकता है लेकिन इंग्लिश में कैन नहीं आएगा, क्योंकि आप बारिश की एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बारिश की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश हिंदी की वजह से गड़बड़ होती है और एग्जामिनर ऐसी चीजें ही लेके आता है। अब इसीलिए एग्जामिनर ने यहाँ पे मे नहीं दिया, क्योंकि मे दिया होता तो शायद कुछ बच्चे सही भी कर देते। तो उसको पूरी नॉलेज थी कि ये गेम उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। वो एबिलिटी की बात कर रहा है कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि यार अगर मैं जीत गया तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गेम होगा, है ना। तो ही इज टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। अब उसने कैन दिया, अगर आप हो सकता है सोच के कैन टिक कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकदम से गलत। सो आपको कैन यूज नहीं करना है, ठीक है। हमको ये ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट यूज कैन। मस्ट सलाह तो दे नहीं रहा है आपकी उसका सबसे अच्छा, तो मे ऑप्शन है नहीं। अगर मे ऑप्शन होता तो मेरा आंसर मे होता। अब क्योंकि मे ऑप्शन नहीं है तो वुड हो जाएगा, क्योंकि वुड इज ऑल्सो इमेजिनेशन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वुड से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती मे की। मे आंसर में नहीं है, हमें सबसे अच्छा आंसर पिक करना है, तो हम कौन सा आंसर पिक करेंगे, हम पिक करेंगे वुड। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप हिंदी की वजह से गलत करोगे, ठीक है। तो आपको हिंदी की वजह से गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने कर ही लिया था गेम ऑफ हिज। अब उसकी किसी चीज के लिए, उसकी एज के लिए सबसे बड़ा गेम। एज अभी तक उसने डिफाइन ही नहीं की है, उसका दिन नहीं उसकी जिंदगी का। तो ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लिया था, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम हो सकता है। ही हैड केप्ट ऑन ट्राइंग, उसने बहुत कोशिश की थी अभी तक, वो बार बार कोशिश करे जा रहा था। किस चीज की पता करते हैं, ही हैड केप्ट ऑन ट्राइंग एंड डैश कुड कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। तो वो कोशिश कर चुका था। अब ये प्रेपोजिशन, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन हो गया, तो जो प्रोनाउन पहले लिखा होता है वही प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो अगर ये ही से कनेक्टेड है तो आंसर होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर ये ज्ञान दे रहा है कि हर कोई कोशिश करता रह सकता है तो आंसर होगा वन। तो मुझे आगे वाला सेंटेंस पढ़ के वापस आना पड़ेगा। अगर आगे वाले सेंटेंस में कनेक्शन है, वो ये बता रहा है कि एक आदमी तब तक कोशिश कर सकता है जब तक कुछ ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो आंसर होगा वन। अगर वो इसी आदमी की बात कर रहा है तो आंसर होगा ही। तो अगली लाइन पढ़ते हैं पहले, एंड वन कुड बट डैश वुड बिकम फ्यूअर एंड फ्यूअर। तो ये तो बात कर रहा है जनरल ज्ञान की, कि एक आदमी कोशिश करता रह सकता है लेकिन क्या है कि चांसेस जो है कम होते जाएंगे बाय एज, ठीक है। तो वो अपनी बात नहीं कर रहा है इसलिए ही गलत हो गया, और तुम्हारी बात नहीं कर रहा है इसलिए यू गलत हो गया। तो इंग्लिश में क्या होता है आप ये समझ लीजिए, तीन सिंगुलर प्रोनाउन्स होते हैं। अगर मैं इट को हटा दूं, ही शी एंड इट, ही शी एंड वन। अब हिंदी में जो हम सेक्स बताते हैं, हमारा सेक्स बताने का तरीका होता है वर्ब्स में, ठीक है। कुर्सी रखी हुई है या कुर्सी रखा हुआ है, तो मुझे डिसाइड करना है एज एन इंडियन कि भाई कुर्सी लड़का है कि लड़की है। आप कभी भी किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते हुए देखना, उस बेचारे को यही नहीं पता चलता कि कुर्सी को वो लड़का बनाए कि लड़की बनाए, है ना, रहा है रही है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। व्हाई, बिकॉज इन इंग्लिश देयर इज नो सेक्स इन द वर्ब। वर्ब में हम सेक्स नहीं बताते, हम सेक्स बताते हैं प्रोनाउंस में।
तो चीजों के लिए वो इट बोल देगा, लड़कों के लिए ही बोल देगा, लड़कियों के लिए शी बोल देगा, राइट। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। अब मान लीजिए मेरी क्लास में अभी जैसे 40 बच्चे बैठे हुए हैं, अब मैं कहता हूं कि जो भी बात कर रहा है वो जा सकता है, तो इसका क्या मतलब होगा? लड़कियां कहेंगी हमें तो बोला नहीं, जा सकता है बोला तो केवल लड़कों को डांटा। अगर मैं बोलता हूँ जो भी बात कर रही हैं वो जा सकती है, तो अब लड़के बोलेंगे हमें नहीं बोला लड़कियों को बोला, है ना। जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर मैं सबको बोलना चाहता हूँ तो हिंदी में कोई तरीका नहीं है, या तो मैं लड़कों वाला प्रोनाउन यूज करूँ या लड़कों वाला जेंडर या लड़कियों वाला जेंडर। वेयर एज इन इंग्लिश वी हैव दिस वर्ड वन, वन इज फॉर बोथ। तो ऐसी जगह जहां मैं लड़का लड़की दोनों को एड्रेस कर रहा हूँ वहां पे मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूँ? वन। अगर एक चाहे तो एक ऐसा करता रह सकता है। सो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, एंड वन कुड कीप ऑन ट्राइंग, और एक ट्राई करता रह सकता है। लास्ट आते हैं, कुड कीप ऑन ट्राइंग बट डैश वुड बिकम फ्यूअर एंड फ्यूअर। अब क्या चीज कम हो जाएंगी? गेम्स कम हो जाएंगे, मैचेस कम हो जाएंगे, या वो टोटल ज्ञान की बात कर रहा है? तो एक बार पढ़ के देखते हैं। गेम्स और मैचेस ऑलमोस्ट एक ही बात है, अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये तो वो जनरल ज्ञान दे रहा था ना कि एक आदमी ट्राई कर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी। वो मैच जीतने की अपॉर्चुनिटी हो, वो लाइफ की अपॉर्चुनिटी हो, वो कुछ भी हो, ही न्यू दैट ही हैड टू गेन एन एडवांटेज फ्रॉम द स्टार्ट एंड ही हैड दिस यंग राइवल सेट ऑफ अगेंस्ट हिम। सो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ क्लोज टेस्ट। अब आपने देखा कि अगली लाइन पिछली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अगर आप नेक्स्ट लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकती है। दिस इज वॉट वी नीड टू रिमेम्बर। सो क्लोज टेस्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक दो क्लोज टेस्ट बहुत है क्योंकि कुछ टाइम से आए नहीं है, बट डेफिनेटली दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपने अगली लाइन जरूर देखनी है। जैसे डैश अब द फेमस एंटर को डैश डे विद, ठीक है, तो यहां तक तो सॉल्व हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट के आगे आऊंगा मैं केवल इस वाले पॉइंट से सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे ये वाला हो गया हिज एज, अब हम बात कर रहे थे बार बार यंग ओपोनेंट की, यंग ओपोनेंट की, तो हमें पता चल गया एज की बात हो रही है। इस क्वेश्चन पे आया हम, ही हैड केप्ट ऑन ट्राइंग एंड डैश कुड कीप ऑन ट्राइंग। अगर इसके आगे वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे आंसर हो जाता ही। तो इसलिए मुझे अगली एक दो लाइन पढ़नी जरूरी हो गई, जिससे मुझे पता चलेगा कि वो फिलॉसफी बोल रहा है, वो जनरल बोल रहा है, या वो इसी आदमी के बारे में बोल रहा है। तो वो हमें अगली लाइन से पढ़ के पता चला, हमें अगली लाइन से पढ़ के पता चला कि बट अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम होती जाएंगी आदमियों की उसमें। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, वन कुड कीप ऑन ट्राइंग। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्लोज टेस्ट। हमें आगे पीछे के क्वेश्चंस को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए गाइस, थैंक यू। हो गया है ना।